सिग्नेचर्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रोक्स के बारे में पिछले हफ्ते बताया था। आज जो है सिग्नेचर को शॉर्ट में थोड़ा सा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लेना। हमारे हिस्से तीन हैं, नाम के तीन हिस्से होते हैं। पहला सिग्नेचर जो हम लिखते हैं, सिग्नेचर जिसको हम करते हैं, पहला मैं खुद, दूसरा मेरा मिडिल नेम और तीसरा मेरा सरनेम या लास्ट। तीन हिस्से होते हैं। ये तीनों के तीनों जो हमें बताते हैं वो क्या बताते हैं कि हम जब भी अपने सिग्नेचर में किस चीज को यूज करें से क्या पता लगता है कि हम किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मेरा नाम, अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो राजीव कुमार अरोड़ा, मेरे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें राजीव कुमार अरोड़ा पूरा है। मेरे फादर कृष्ण कुमार लिखते हैं, वो अरोड़ा नहीं लिखते, ठीक है। तो तीन हिस्से हो गए। अब अगर मैं अपने नाम में सिग्नेचर्स में सिर्फ राजीव लिखूं, कैसे लिखता हूं वो अलग चीज। अगर मैं अपने सिग्नेचर में सिर्फ राजीव लिखता हूं और मुझे किसी ने सिग्नेचर बताया नहीं, ये मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? फैमिली से मैं अलग, फोकस किस पे कर रहा हूं, मैं किसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मेरा सबकॉन्शियस किस चीज को हाईलाइट करना चाहता है। मेरा सबकॉन्शियस जिससे मेरा सिग्नेचर बना है वो सिर्फ और सिर्फ मी एज एन इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना चाहता है। तो मी एज एन इंडिविजुअल इज राजीव, ठीक है। लास्ट नेम, सरनेम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? अरोड़ा। अरोड़ा क्या बताता है? मेरी बिलोंगिंगनेस को बताता है। आई बिलोंग टू विच कम्युनिटी, आई बिलोंग टू विच सोसाइटी, या मेरी कुछ भी पीछे की हिस्ट्री जो मेरी फैमिली से जुड़ी हुई उसके बारे में बताता है। शादी के बाद लड़की का सरनेम हमारे यहाँ बदल दिया जाता है। क्यों? आप इस परिवार को बिलोंग करते हो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप उस परिवार का हिस्सा नहीं रहे, अब आप इस परिवार का हिस्सा हो गए, ठीक है। आपने सारी जिंदगी अपने नाम में, अपने सिग्नेचर्स में सिर्फ राजीव वर्ड यूज किया, अपना इनिशियल जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ के समय में आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आपको पता है कि आपको किसी का सहारा नहीं मिलना, ना कुमार लगा है ना अरोड़ा लगा है ना। तो आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी की तरह डेवलप होगी। नोबडी विल सपोर्ट यू इन योर लाइफ फॉर योर एनी पॉइंट, मतलब हमारा जो एनी लाइफ का जो भी हमारा वो डायमेंशन हो उसमें किसी भी डायमेंशन में हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? मैंने ऐड ही नहीं किया उनको, मेरे को ऐड भी तो करना चाहिए ना, मैंने तो ऐड किया ही नहीं। तो आपको आपकी लाइफ, आपकी स्ट्रगल, आपकी जिंदगी अकेले ही निकालनी पड़ेगी। कुमार क्या है? कुमार इज नथिंग, जस्ट अ बैलेंसिंग बैलेंसिंग पॉइंट, सेंटर है नाम और सरनेम के बीच में। सेंटर का मतलब क्या होता है? थोड़ा लेफ्ट को, थोड़ा राइट को, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, मैनेज करते रहना। तराजू होता है, सेंटर क्या करता है? कांटा वहीं पे होता है, वही बताता है बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा मामला। आप अगर अपने नाम में सरनेम लगाते हो, मिडिल नेम, सॉरी मिडिल नेम लगाते हो, आप ये देखोगे कि आप सारी जिंदगी अपने और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस करते करते अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर लो। मैं एक फैमिली में ब्रेड अर्नर हूं, मेरे कमाई से घर चलता है
और मैंने राजीव कुमार अरोड़ा लिख दिया तो क्या होगा? मैं अपने घर में और अपने के बीच में कुमार को लेके तोलता रहूंगा, मेरा बैलेंस, मेरे बैलेंस बनाने में जाने वाली एनर्जी, मेरी पोटेंशियल, मेरी ग्रोथ सबको खा जाएगी। कुमार लग गया बीच में, ये कुमार का काम, ठीक है? एनी विडल ने, मेरे में कुमार है तो मैं एग्जांपल के तौर पर भी दे, ठीक है? सरनेम, I am adding surname in my signature means I want to be connected with my family. Rajiv Arora, me and my family. तो हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं. If you want to become a family person, if you want to become a person who is giving full responsibility and time to the family, not for the individual only, you need to add surname. अगर आप अपना surname नहीं लगाओगे तो आपका सारा focus अपने पे हो जाएगा. अब ये सही है कि गलत है, इसका decision कौन करेगा? इसका डिसीजन करता है हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें से हम गुजर रहे हैं. एक बच्चा अपना करियर बना रहा है, ग्रोथ का समय है उसकी, 19-20 साल का है, कॉलेज वॉलेज करके आया और अब वो अपने आप में स्टेब्लिश होना चाहता है. आप देखो अपने आसपास, अपने घर के लोगों को, अपने फैमिली के बच्चों को, अगर वो अपने नाम के सामने ना मिडिल नेम और ना सर नेम लगा रहे हैं, फैमिली से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, चाहे फैमिली के पास कितना भी कुछ भी हो. और वो अल्टीमेटली इंडिविजुअली अपनी स्ट्रगल से जो भी अचीव करेंगे सो करेंगे. अपने आसपास के बच्चों को देखो, या जो आज भी 30-40 साल के हो चुके उनको देखो, उन्होंने ऐसा ही जीवन बिताया कि नहीं बिताया? टेस्ट करना है ना, तो जो 40 साल का है उसके ऊपर भी टेस्टिंग की जा सकती है. आपने फैमिली को साथ में लिया ही नहीं. तो ये तीन हिस्से हमारी जिंदगी में इस तरीके से आपस में हमारी जो लाइफ है उसको गवर्न करते हैं या साथ चलते हैं. कुछ लोग अंडरलाइन लगाते हैं. अंडरलाइन का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला ये पढ़े जरूर, है ना, तो आप क्या करते हो? हेडलाइन बनाते हो. अंडरलाइन क्या करती है? फोकस अटेंशन आपका अपनी तरफ खींचती है. यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस लाइन, सेंटेंस, नेम और वट एवर यू हैव रिटन. आपने अंडरलाइन भी तीन हिस्सों में एनालाइज करनी है. एक आदमी अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन करता है, लिखता तो है वो राजीव अरोड़ा पूरा, लेकिन अंडरलाइन वो सिर्फ अपने नीचे करता है, अरोड़ा के नीचे नहीं करता. दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? वो अपनी फैमिली नेम अरोड़ा के नीचे अंडरलाइन करता है और अपने नीचे नहीं करता, या जो बीच में स्पेस है उस स्पेस में वो अंडरलाइन करता है. तो वो क्या कर रहा है? अपने और अपनी फैमिली के बीच में एक कनेक्शन बना रहा है, ठीक है? तो आप जब किसी का सिग्नेचर एनालिसिस करो तो उसमें आपको देखना होगा कि आपके सामने जो इंसान आया है उसने अपने साइन में वो जो लाइन लगाई है वो कैसी लगाई है. तो
तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये आदमी अपने बारे में ज्यादा सोचता है या अपने परिवार के बारे में सोचता है या बीच में। कई बार वो लाइन होती तो मेरे नाम के नीचे है लेकिन छोटी होती, मेरे सरनेम के नीचे होती है वो छोटी लाइन होती है, पूरे में नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है वो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस तो दी उसने, अंडरलाइन तो किया, बट कितना किया, कैसे किया, कितने पोर्शन में किया, उससे उसकी जो इंपॉर्टेंस गिव देने की जो उसकी अपील है या उसकी जो आदत है या जो उसका बिहेवियर में है वो कितना है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये है। अब अंडरलाइन कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये तो तीन चीजें मैंने आपको बताई। अब जो मैं आपको कह रहा हूं वो कुछ और क्या, ये अंडरलाइन तो है लेकिन छोटी सी, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा बंदा इससे समझ सकते हो। अब यहां पर अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़े तो ये जो अंडरलाइन है ना, इसके बारे में आप जो बाकी वीडियोस देखोगे जो लोग बताते हैं, असल में क्या है हिंदुस्तान में इसके ऊपर काम तो ज्यादा हुआ नहीं, और जिन्होंने किया उनको एस्ट्रोलॉजी पूरी आती नहीं, और आती भी है तो उन्होंने दोनों को कभी जोड़ा नहीं। तो मैंने ग्राफोलॉजी को पूरा जोड़ा है एस्ट्रोलॉजी के साथ, और यहाँ पे आप लोग सब बेसिक समझ तो रखते ही एस्ट्रोलॉजी की। इसको वो बोलते हैं कि अगर आप अंडरलाइन करते हो तो ये आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं,